अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना की अध्यक्ष सपना गोयल द्वारा चलाया गया हिंदुओं को एक करने का जागरूकता अभियान, जहां पर उन्होंने लखनऊ के कई मंदिरों में जाकर सुंदर कांड की पुस्तकें और वहां के मंदिर के पुजारियों को कंबल वितरण किया है। और मंदिरों पर सुंदर कांड के प्रति किस तरह से जागरूक हो, इसका अभियान शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपना गोयल के द्वारा इस अभियान में मौजूद रहे संगठन महामंत्री ऋतु अग्रवाल साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं संस्थापक श्रीनिवास। आइए डालते विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके से आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग इंदिरा नगर सेक्टर 16 में हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, हम मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पे हमने आपको पहले भी दिखाया सनातन धर्म को लेकर के और लोगों में सुंदर कांड के पाठ को लेकर के किस तरीके सपना गोयल जी जागरूकता फैला रही है और हर मंदिर पर जा रही लोगों को जागरूक करने के लिए। मंदिर के पुजारियों से ही बात कर रही है कि लखनऊ को किस तरीके से लक्ष्मणपुरी बनाया जाए और मंदिरों में सुंदर कांड का पाठ करने से किस तरीके से हिंदू लोग एक होंगे और सनातन धर्म को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो आज सपना गोयल जी ने बहुत सारे मंदिरों पर जा के लोगों को जागरूक कर रही हैं और सुंदर कांड के पाठ के लिए आगे से आगे लोगों को जागरूक कर रही है। और साथ में महाराज जी भी हमारे साथ में, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, ये बताइए आज किन किन मंदिरों के पर आप गई हैं और लोगों को आपने जागरूक किया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राष्ट्रीय जागरण सनातन जागरण को लेकर के महाअभियान को लेकर के आपने धार्मिक नागरिकों के लिए अभिनंदन एवं स्वागत के लिए आप कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो मैम, सुबह से कितने मंदिरों पर गई हैं आप? मैं अभी 5 मंदिरों पे हो आई हूँ, ये 6ठा मंदिर है और आगे भी अभी जा रही हूँ कई मंदिरों पे। तो अभी तो मैं संदेश दे रही हूँ सबको कि उठो, जागो और धर्म को अपनाओ और धर्म के प्रति खुद को तैयार करो और हर मंगलवार को सुंदरकांड के जरिए भगवान को याद करो। और यदि उसके बाद भी लोग ढीलम ढाल हुए, नहीं जागे और नहीं सक्रिय हुए धर्म के प्रति, तो सब पे गंगा जल छिड़कवाऊंगी। बिल्कुल, यानी कि लोगों को आप शुद्ध भी करेंगी, शारीरिक मानसिक और सब तरीके से शुद्ध करेंगी। जिस तरीके से आपके बैनर में लिखा हुआ है लक्ष्मणपुरी के नाम को लेकर पुनर्स्थापित करने हेतु जन जागरण अभियान, तो लखनऊ को आप लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए पूरा पुरजोर आप अपना इरादा बना चुकी हैं, पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जी, हमारा पूरा संगठन और हमारी पूरी सेना इसमें लगी हुई है कि हर तरह से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी की अपनी पूरी पहचान दी जाए और उसकी हमारी पूरी तैयारी है। तो सुंदरकांड के पाठ को लेकर के मंदिरों में आपने क्या बात करी? सुंदरकांड के पाठ को लेकर यही है कि भगवान को, हनुमान जी की शरण में जाइए, बजरंग बली को पूरे जोर शोर से याद करी। सपना गोयल जी के साथ में इस मुहिम में उनके महामंत्री भारत रक्षा दल की भी जुड़ी हुई हैं। तो हम कहते हैं सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, जब महिलाएं जागरूक होंगी और मंदिरों की तरफ से फिर से वो अपना जो है आगमन करेंगी, तो उनके साथ साथ में उनका परिवार भी उसकी तरफ जाएगा। तो हमारे साथ में एक महिला और भी है जो इस कोशिश में सपना गोयल जी के साथ लगी हुई है कि किस तरीके से सुंदर कांड के पाठ को किया जाए और सपना गोयल जी के संगठन में वो महामंत्री के पद पर। आपका स्वागत है मैम। हाँ, जय सियाराम। जय सियाराम। मेरा नाम ऋतु अग्रवाल है, मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट सेना की मैं महामंत्री हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सपना गोयल जी के साथ लगी हुई हूँ, वो मेरी भाभी भी हैं। और इस मुहिम बहुत अच्छी है, एक नया जागरण करने की, एक नया जागरूक करने का हिंदुत्व को। जैसे कि आजकल के युवा लोग हैं, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी आपने सोचा है
क्योंकि हमारे धर्म के प्रति उनका कोई भी रुझान नहीं है, धर्म के प्रति वो सचेत नहीं है, वो भटक रहे हैं। एक हमारी यही मुहिम चल रही है कि वो आए मंदिर मंदिर में जाएं और वहाँ पे जो सुंदरकांड होती है सुंदरकांड में शामिल हों, आगे इस हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। बस मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, इस जो हमारा पूरा संगठन है जागरूक करना चाहता है और एक चेतना उत्पत्ति करना चाहता है। बहुत अच्छी बात। तो हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी जी भी हैं, पंडित जी से ही बात करेंगे कि मंदिर में जिस तरह के सुंदरकांड के पाठ को लेकर के सपना गोयल जी के द्वारा हर मंदिर पे जागरूकता फैलाई जा रही है उनके भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? आपका नाम बताइए पहले। मैं पंडित कमलाकांत अवस्थी चित्रकूट से हूँ, आपके स्वर्ण स्वर्ण मंदिर में आज 20 साल से पूजा कर रहा हूँ। सभी भक्तों को ही जागृत करता हूँ कि हर शनिवार मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर आएँ और श्री सुंदरकांड का पाठ बढ़िया करें, भगवान की सेवा करें, यही सबसे प्रार्थना करते हैं। तो जैसे बहुत आप तो जागरूक करते हैं, लेकिन ऐसे आम लोग यानी कि जो आम लोग आम जनता है कुछ संगठन के माध्यम से यहाँ पे आते हैं और अपनी भक्ति भाव से लोगों को जागरूक करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है और बड़ी ही अच्छी हमारी इच्छाएं पूरी होती है। सपना गोयल जी के बारे में क्या? भक्तों की भी मनोकामनाएं पूरी होती है और सपना गोयल जी को ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं जो सब हिंदुओं को जागृत कर रही हैं। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम लोग आए थे स्वर्ण शिव मंदिर में जो कि आपका इंदिरा नगर में है, सेक्टर 16 में है, जहाँ पर सपना गोयल जी के द्वारा यहाँ पे एक जागरूकता अभियान रखा गया है सुंदर कांड के पाठ को लेकर के और किस तरीके से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाया जाए उसके लिए वो पूरा अभियान कर रही, जागरण चला रही और लोगों को जागरूक भी कर रही। कुछ मंदिरों पे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे जा करके मंदिरों में ये जागरूकता अभियान फैला रही है। हमारे साथ बने रहिए। तो इस समय हम लोग लखनऊ के बाल विहार के दुर्गा मंदिर में हमारे साथ पंडित जी हैं, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि सपना गोयल जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ को लेकर के और सनातन धर्म को जागरूकता को लेकर के। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? आपका स्वागत है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है और बड़ा ही सौभाग्य है कि इसमें हिंदुओं को एकत्रित करके और जो सुंदरकांड का अभियान जगाने का प्रयास किया गया है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ही सुंदर विचारधारा है और इसमें सनातन धर्म आगे बढ़े यही सभी की मनसा है। जय श्री राम। मैं आचार्य संदीप अवस्थी आपके इंदिरा नगर लखनऊ से, बाल विहार कॉलोनी में हमारे दुर्गा मंदिर का स्थान है। भारत की इस राष्ट्र संस्कृति को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा अभियान है और बड़ी सुंदर बात है कि हमारी गोयल जी इस विषय में भाग ले रही हैं और आगे हैं, उनके साथ हम सब हैं और अपने राष्ट्र को संगठित करने के लिए बहुत अच्छी योजना है और जब हम लोग निरंतर इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तभी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो सकेगी, हिंदू जागृत हो सकेगा, भगवान का नाम स्मरण हो सकेगा। और जब तक देखिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, जब तक धर्म की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो वो धर्म हमारी रक्षा कभी नहीं कर सकता है ना। यानी आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को जगाने के लिए, इस संसार के इंसानों को जगाने के लिए हमें धर्म की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इस तरह के सपना गोयल जी की एक मुहिम है हर मंगलवार को शनिवार को लेकर के सुंदर कांड के पाठ और हनुमान चालीसा को लेकर के, तो आपकी इस तैयारी में कितना आपका योगदान रहेगा? बहुत अच्छा योगदान रहेगा। और सुंदर कांड तो देखिए हमेशा होता ही है, हर शनिवार को हम लोग करते हैं, मंगलवार भी करते हैं, आगे निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगा। अब तो आप लोग जुड़ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है और इसके इस माध्यम से बहुत से लोग भी हम लोग जोड़ेंगे, बाल विहार कॉलोनी के संगठित लोग जितने भी हैं और हमारे इस समिति के भी जितने मेंबर हैं सब पर हम इस बात को फैलाएंगे और सबसे आग्रह करेंगे कि हमारा हिंदू एक हो। संस्कृत का एक श्लोक दो लाइन जिससे हिंदुओं का थोड़ा कल्याण हो। जी, कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन में जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और धर्म की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए हमें हनुमान जी के कुछ पद चिन्हों पर चलना बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो जिस तरीके से हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि सपना गोयल जी के द्वारा हर मंदिर सुंदर कांड के पाठ को लेकर तैयारी करी जाए, तो इसमें हम लोग चिन्ह तिराहा के मंदिर में, तो हमारे साथ पुजारी महाराज जी भी, तो उनसे हम बात करेंगे कि मंदिर में सुंदर कांड के पाठ को लेकर क्या तैयारी रहेगी। आपका स्वागत है। देखिए मंदिर में सुंदर कांड को लेकर तैयारी, जो गोयल मैडम द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, ये हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और सुंदर कांड एक ऐसी चीज़ है, वैसा पाठ है जिसको बैठ के आराम से अगर मंदिर में किया जाए
तो बहुत ही एक तो मन पवित्र हो जाता है और दूसरी चीज़ है कि धर्म के प्रति भावना जागृत होती है। यही चीज़ है, सुंदरकांड में यही बताया गया है कि जैसे हनुमान जी ने जैसे राम माँ सीता को खोज निकाला था, उसके बाद रावण को चुनौती दी थी, ऐसे ही धर्म को एक करने की आज के समय में जरूरत है। बिल्कुल। तो ये बताइए अभी आपके मंदिर में सुंदरकांड के पाठ को लेकर क्या तैयारी है, शनिवार और मंगलवार को ऐसा कुछ होता है? हमारे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास सुंदरकांड की पुस्तकें हैं, हम लोग खुद ही पढ़ते हैं और पढ़ने वाले लोग भी भक्तजन आ जाते हैं, हमारे पास पूरी साउंड सिस्टम की व्यवस्था है। अभी तक कितने लोग आते हैं हर मंगल? हमारे यहाँ लगभग 10 से 11 लोग हर मंगलवार। तो तादाद जैसे कि पुष्ट संगठन वाले या आम जनता मिलकर 100-200 कर दे तो कितनी खुशी होगी? ये तो बहुत खुशी की बात है, 100-200 अगर पाठ में आ जाए तब तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत तो अच्छी बात। इससे जागरूकता फैलेगी, बहुत जागरूकता फैलेगी, इससे धर्म भी मजबूत होगा और इससे हिंदू धर्म का जो है सम्मान भी बढ़ेगा, बहुत सी चीजें। क्या कह रहे भैया तुम? अरे हमारे हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ेगा, हमारे पंडित जी का भी सम्मान बढ़ेगा, इसमें नाम होगा मंदिरों, क्योंकि धर्म बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा आगे, धर्म बढ़ेगा देश बढ़ेगा और मंदिरों को भी प्रति लोगों के प्रति एक आस्था जागृत होगी। तो जिस तरीके से हम आज आपको लेकर के आए थे सपना गोयल जी के पास में, जिसका उनका एक मुहिम है हिंदुओं को एकत्र करना और सनातन धर्म को जागरूक करना, क्योंकि उनके जो सनातन धर्म का नाम है भारत रक्षा दल सनातन सेना ट्रस्ट के नाम से है, जहाँ पर उनके जो संस्थापक हैं श्रीनिवास जी भी कंधे से कंधा मिला करके हिंदुओं को जागरूक करने के लिए जो है आयोजन कर रहे हैं। उनकी महामंत्री जी भी थी और सपना गोयल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी थी, उन्होंने आज कई मंदिरों में जा करके, लखनऊ के कई मंदिरों में जा करके लोगों को जागरूक किया, पंडितों से बात किया, सुंदरकांड का पाठ के लिए व्यवस्था करवाया, अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी करेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को एकत्र करने के लिए उन्होंने आज कम से कम नहीं है तो 7-10 मंदिरों में लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने आज यहाँ पर सर्वे किया और लोगों तक जा करके उन्होंने ये जागरूकता फैलाई कि सुंदरकांड के पाठ को लेकर के क्या हमारे जीवन में अहम भूमिका है और किस तरीके सुंदरकांड का पाठ अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और उनकी एक मुहिम है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए, जिसमें वो सभी मंदिरों के पुजारियों से अपील कर रही हैं कि उनका साथ दें और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।